पाकिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह की हिमाकत देखिए। भारत के दबाव से हुआ परेशान तो देने लगा गीदड़ भभकी। गृह मंत्री शाह और विदेश मंत्री जयशंकर को दे रहा धमकी। जी, भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का कुख्यात सरगना, जिसके अभी कुछ दिन पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की खबरें खूब सुर्खियां बनी थी, वही पन्नू अब भारत के दबाव से इस कदर बौखला गया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धमकी देने लगा है। विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा पन्नू अमृतपाल के जेल जाने के बाद और निज्जर की मौत के बाद से भारत के खिलाफ अपना आपा जैसे खो बैठा है और फिर उसे अपनी जान का भी डर सताने लगा है। तभी तो अब वो गीदड़ भभकी पर उतर आया है। वीडियो जारी कर गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को $125,000 के इनाम की घोषणा कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना पन्नू ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर जून में वैनकूवर में एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उकसाने का साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। अपने नए वीडियो में पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारतीय नेताओं और अधिकारियों को निज्जर की हत्या के लिए जवाबदेह ठहराया है और सिख कट्टरपंथियों से 15 अगस्त को कनाडा के ओटावा, टोरंटो और वैनकूवर में भारतीय राजनयिक परिसरों की घेराबंदी का आह्वान किया है। इसी माध्यम से पन्नू ने आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को निशाना बनाने वाली खुली धमकी दी है। पन्नू ने 10 सितंबर को वैनकूवर में एक तथा कथित सिख जनमत संग्रह की घोषणा की है। मतलब साफ है कि पन्नू देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, धमकी दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कनाडा स्थित भारतीय राजनयिकों ने पहले ही खुफिया एजेंसियों और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अमित शाह, जयशंकर और संजय वर्मा के सिर पर इनाम के बारे में सूचना दे दी है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सबसे अधिक विदेश यात्रा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हालांकि अपने पोर्टफोलियो के कारण भारत से बाहर कम ही जाते हैं, इसके बाद भी दोनों नेताओं की सुरक्षा पर काफी खतरा बढ़ चुका है। विदेश मंत्री अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो सरकार पर कनाडा स्थित चरमपंथियों के खिलाफ वोट बैंक को बढ़ावा देने का आरोप लगा ही चुके हैं। पन्नू पर अमेरिकी सरकार की भी निष्क्रियता स्पष्ट है, जबकि अमेरिका आतंक के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करता है, लेकिन उसके बाद भी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, बस इसीलिए क्योंकि वो अमेरिकी CIA या FBI का एजेंट हो सकता है। आपको बता दें, भारत में सिख फॉर जस्टिस और पन्नू पर लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें पंजाब में देशद्रोह के 3 मामले भी शामिल हैं। भारत में पन्नू पर बगावत फैलाने समेत सांप्रदायिक दंगे भड़काने की मंशा से उकसाने, पूजा स्थल पर अपराध करने और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप हैं। पन्नू कई नेताओं के खिलाफ अभियान चला चुका है। पन्नू तो वो है जिसने कांग्रेस नेता कमलनाथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ अमेरिका की अदालतों में मुकदमा चलाने की भी मांग की थी। और अब देखिए, देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री के नाम पर धमकी दे रहा है, जबकि वो और उसका संगठन बस भारत के एक बार हत्थे चढ़ जाए। साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस बनाया गया था, जो कि अमेरिका में स्थित है। गुरपतवंत सिंह पन्नू इस संगठन के संस्थापकों में से एक है। 2019 में इस संगठन पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था। तब केंद्रीय गृह मंत्री की अधिसूचना में कहा गया था कि यह संगठन अलगाववादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। ये भी बताया गया था कि यह संगठन अन्य देशों में बाहरी ताकतों की मदद कर रहा है। पन्नू देश के युवाओं को पैसे का लालच देकर बरगलाता भी रहा है। उसे ISI और खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों से पैसे भी मिलते थे, जिनका इस्तेमाल वो दंगे भड़काने और पंजाब में माहौल खराब करने के लिए करता था। और अब इसी पन्नू की हिम्मत देखिए, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धमकी दे रहा है। ये भारत का दबाव ही है, ये सुरक्षा का भाव ही है जो पन्नू भारत के खिलाफ बौखला रहा है। वैसे गुरपतवंत सिंह और पन्नू की इस धमकी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।